जो नाले का काम चालू है और काफ़ी परेशानी हमको भुगतना पड़ रही है। तो ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं, कई आसपास के लोग भी ये बोल रहे हैं कि आपने वो काम बंद कराया हम है। काम करने वाले रोकने वाले नहीं हैं, हम कहीं का नाला रोकने वाले और कहीं का रोड रोकने वाले नहीं हैं। हम काम करवाने वाले हैं, जो लोगों को, जो माँ बहन लोगों को गलत मालूमात दी गई है कि असलम अंसारी ने काम रोका है, और ना तो वो असलम अंसारी का वार्ड है और ना ही असलम अंसारी कभी काम रोकता है। असलम अंसारी काम करता है, लेकिन वहाँ कुछ टेक्निकल बात कॉरपोरेशन के लोगों को, इंजीनियरों को कुछ दिक्कत आई, वो अपनी दुरुस्ती करेंगे और काम फिर होगा। काम कहीं रुका उका नहीं है। वहाँ कुछ पार्टी के लोग ऐसा बोल रहे थे कि असलम अंसारी क्या इंजीनियर है। ये खुद समझना चाहिए कि जब असलम अंसारी इंजीनियर नहीं है तो काम क्यों रोकेगा वो। काम तो इंजीनियर रोकते ना, काम तो साहब लोग रोकते। और मैं इंजीनियर नहीं है लेकिन रिंग मास्टर है। मैं 2007 में मेरे वार्ड के आवाम ने मुझे चुन के दिया पहली बार महानगर पालिका में, 2012 में मुझे दूसरी बार चुन के दिया, 2013 में 2019-17 में मुझे तीसरी बार चुन के दिया। मुझे 3 टाइम मेरे वार्ड के लोगों ने दिया इसलिए कि मैं रिंग मास्टर है। उन लोगों ने देखा जहां काम नहीं होता था वहां अल्लाह करम से मैंने और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडरों ने, चाहे शेख आसिफ हो या शेख रसीद हो, उन लोगों के साथ मिल के मैंने वहाँ काम किया और वहाँ काम करके बताया। जो जगह को लोग रिजर्व कहते थे, जो जगह को लोग कहते थे कि या तो ओपन स्पेस है, ये तो यहाँ काम नहीं हो सकता, हमने वहाँ काम करके बताया और अल्लाह करम से हमारी मिसाल दे के अब लोग काम कर रहे। तो हम तो ऐसे आइडियल है, हम तो ऐसे आइडियल है कि हम रिंग मास्टर है। और जो मुझे इंजीनियर बोल रहे थे उनको खुद ये बात समझना चाहिए कि वो हारे, उनकी बेगम हारी, उनके मरहूम साले साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हारे, लेकिन हम तो 3 बार लड़े, 3ों बार जीते। तो हम तो रिंग मास्टर है, हम इंजीनियर नहीं हैं और ना इंजीनियर बनना चाहते, लेकिन काम करने वाले रिंग मास्टर है। मालेगांव महानगर पालिका में मैं हाउस लीडर हूँ और आपकी मालूमात में मैं इजाफा करना चाहता हूँ कि शेख रशीद साहब की जाति इंटरेस्ट से वो नाले का काम शुरू हुआ है और शेख रशीद साहब ने, मैंने खुद ने वो नाले का उद्घाटन किया था। वहाँ पे हम लोगों ने टिका मुक्कम लगाया था और काम की शुरुआत की थी। मैं समझता हूँ कि 99 लाख रुपये का इस्टीमेट से वो नाला बन रहा है और नाला बन जाने के बाद वहाँ की बहुत सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। एक बहुत बड़ी तकलीफ आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि पत्रकार हो या यूट्यूब चैनल वाले हो या मीडिया वाले हो, अभी कुछ दिन पहले वहाँ एक कार नाले में चले गई थी तो उसका वीडियो बना बना के नाला ऐसा है, नाला ऐसा है, नाला ऐसा है, शहर के बीच में मालेगांव स्कूल के बाजू में, ठीक है। शेख रशीद साहब ने उसको अपने, यानी उसके लिए कोई मोर्चा धरना नहीं होने के बावजूद शेख रशीद साहब ने 1 करोड़ रुपए का फंड दिया और वहाँ नाले का काम शुरू हुआ। और नाले का काम शुरू ही था, आप क्वालिटी जाके चेक कर सकते हैं। मालेगांव शहर में काम रोकने की कोशिश बहुत लोग करते हैं, जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो काम रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। जब आगरा रोड का इब्तदा हो रहा था तो उन्होंने बोला था हम इंजीनियरों की टीम बनाएंगे और वो उस काम का सर्वे करेंगे, वो काम कैसा होता है कैसा नहीं होता है। और ऐसे ही अनगिनत हमने, कांग्रेस पार्टी ने काम किया, लेकिन मालेगांव शहर में ने देखा कि यहाँ मालेगांव शहर में जो भी काम हुआ है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है, चाहे वो सब्बीर सेठ के दौर में हुआ हो, शेख रशीद साहब के टाइम में हुआ हो, आसिफ साहब के टाइम में हुआ हो, या तायरा मैडम के टाइम में हुआ। और हमारा काम बिल्कुल जवाबदारी से करते हैं और जवाबदारी से करते रहेंगे।